लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजस्थान में भी चुनावी चौसर बिछ गई है। अभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार तो घोषित नहीं किए हैं, लेकिन नेताओं ने रैलियां और सभाओं के साथ साथ धार्मिक स्थलों के दर्शन करने शुरू कर दिए हैं। मैं लोकसभा चुनाव को एक पहली बात तो रिलीजन से बिलीव नहीं करता, मंदिर इसलिए नहीं आया कि लोकसभा चुनाव में जीत हो। ये है राजस्थान सरकार में पर्यटन एवं देवस्थान मंत्री विश्वेंद्र सिंह। वैसे तो इन्होंने अपने बयान से साफ कर दिया कि ये मंदिर में पूजा अर्चना करने आए हैं। विश्वेंद्र सिंह राजस्थान में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक है। विश्वेंद्र सिंह 3 बार विधायक और 3 बार सांसद का चुनाव कांग्रेस के टिकट से जीत चुके हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमले किए। मैं लोकसभा चुनाव को एक पहली बात तो रिलीजन से बिलीव नहीं करता, मंदिर इसलिए नहीं आया कि लोकसभा चुनाव में जीत हो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी को कि सोच समझ कर अपना वोट दें, क्योंकि पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिवाय झूठ बोलने के दूसरा काम नहीं किया। युवाओं को धोखा दिया कि हम आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे, एक को भी मौली हो तो आप बता दें, 5 साल पूरे हो। गरीबों के लिए कहा कि अरबों खरबों रुपया लेकर के आएंगे, कालाधन और गरीबों को बांटेंगे। आज तक 15 पैसे भी, 15 लाख की बात छोड़ो जो प्रधानमंत्री ने कहा, 15 पैसे भी कहीं पहुँचे हों तो आप बता दें। तीसरी बात, इन्होंने कहा था किसान को धोखा दिया, किसान की जो लागत लगेगी फसल में उसके दूने भाव में हम फसल को खरीदेंगे। आज भाव कहाँ पड़े हैं आप खुद देख लीजिए। आज भरतपुर में नुकसान हो चुका ओलावृष्टि से, बारिश ज़्यादा हुई है कई क्षेत्रों में, मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र में उसकी सर्वे कराई जा रही है, और जल्दी से जल्दी मैं आपके माध्यम से किसानों को ये सूचित भी करना चाहूँगा कि उनका मुआवजा मिल जाएगा जल्दी से जल्दी। आपको क्या लगता है कितनी सीट है? देखिए, मैं कोई ना तो मैं एस्ट्रोलॉजर, अगर मैं आपको ज्योतिष समझ दिख रहा हूँ तो अलग करना, जितनी मेहनत जो करेगा उतनी उसकी सीट आएगी। विश्वेंद्र सिंह पूर्व राज परिवार से है, जिले में उनकी अच्छी पकड़ है, जहां लोग उनका आदर करते हैं, और अभी तक जिस प्रत्याशी को उन्होंने सपोर्ट किया है उसकी जीत हुई है। 2008 में परिसीमन के बाद भरतपुर लोकसभा सीट को अनुचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया था, जिसके बाद 2009 में विश्वेंद्र सिंह ने कांग्रेस के प्रत्याशी रतन सिंह को जीत दिलाने में सफलता हासिल की थी। यदि परिसीमन से पहले की स्थिति पर नजर डाले तो 1952 से लेकर 2008 तक इस लोकसभा सीट से ज्यादातर राज परिवार के सदस्य ही चुनाव जीते हैं, जिनमें विश्वेंद्र सिंह और उनकी पत्नी दिव्या सिंह, उनके पिता महाराजा सवि विजेंद्र सिंह, चाचा गिरिराज शरण सिंह, चचेरी बहन कृष्ण केंद्र कौर दीपा सम्मिलित है। विश्वेंद्र सिंह जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और जिले में जाट जाति के करीब 4.5 लाख वोट है, जो बेहद निर्णायक मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान।